विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट गुजराती, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था? फ्रूट्स के नेम, यानी कि फलों ना नाम गुजराती में। तो ये सारे फ्रूट्स के नेम जो है वो आपने अपनी गुजराती की नोटबुक में लिख भी लिए होंगे और लर्न भी कर लिए होंगे। आज हम सीखने वाले हैं शाकभाजियों के नाम, यानी कि वेजिटेबल्स नेम। यहाँ पे हेडिंग क्या दिया है? शाकभाजी। जो वेजिटेबल्स होते हैं उसको गुजराती में क्या कहते हैं बच्चों? शाकभाजी। यहाँ पे आपको 6 पिक्चर दिए हैं वेजिटेबल्स के, वो हम देखते हैं। आपको मेरे साथ बोलते जाना है। यहाँ पे कौन सा पिक्चर है? बटाका। ये क्या लिखा है? बटाका। बटाका मीन्स पोटैटो। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोटैटो। और गुजराती में नाम क्या याद रखना है आपको? बटाका। उसके बाद है यहाँ पे टोमेटो का पिक्चर, उसे गुजराती में क्या कहते हैं बच्चों? टमेटा। क्या कहते हैं? टमेटा। उसके बाद यहाँ पे कैरेट का पिक्चर है, उसे क्या कहते हैं? गाजर। बटाका, टमेटा, गाजर, ये 3 नाम तो हमने सीख लिए। अब हम नीचे का देखते हैं। नीचे यहाँ पे कौन सा पिक्चर दिया है? ऑनियन का। उसको गुजराती में कहते हैं डूंगळी। क्या कहते हैं बच्चों? डूंगळी। और इसके बाद का नेक्स्ट पिक्चर है कैबेज का, उसे कहते हैं कोबी। क्या कहते हैं बच्चों? कोबी। और लास्ट यहाँ पे वेजिटेबल्स दिया है ब्रिंजल। ब्रिंजल मीन्स रींगण, इसे क्या कहते हैं गुजराती में? रींगण। तो हमने आज शाकभाजी के 6 नाम सीखे गुजराती में। बटाका, टमेटा, गाजर, डूंगळी, कोबी और रींगण। तो ये जो सारे नाम हमने आज वेजिटेबल्स के सीखे वो हम अपनी नोटबुक में भी लिखने वाले हैं। और वो लिखने के लिए आपको अपनी गुजराती की जो नोटबुक है वो निकालनी है और वहाँ पे इस प्रकार से हेडिंग देना है, आज की डेट और हेडिंग। हेडिंग क्या देंगे आप? शाकभाजियों ना नाम। उसके बाद उसको इंग्लिश में जो कहते हैं वो हम लिखेंगे, वेजिटेबल्स नेम। और उसके बाद हमारी टेक्स्ट बुक में जो 6 नाम दिए हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। नंबर 1 डालिए बटाका, उसके बाद थोड़ी स्पेस रखिए और बीच में डैश कीजिए, फिर से थोड़ी सी स्पेस रखनी, इसको पास पास नहीं लिखना है। बटाका मीन्स पोटैटो। पोटैटो की स्पेलिंग क्या आएगी? POTATO, पोटैटो मीन्स बटाका। नंबर 2 डालिए 1 लाइन लीव करके टमेटा। टमेटा मीन्स टोमेटो, TOMATO, टोमेटो। नंबर 3 डालते हैं गाजर। गाजर मीन्स कैरोट, CARROT, कैरोट मीन्स गाजर। नंबर 4 डालिए डूंगळी। डूंगळी उसको इंग्लिश में कहते हैं ऑनियन, ONION, यानी कि ऑन की 2 बार स्पेलिंग लिखनी है और बीच में आई लगाना है, तो क्या बनेगा? ऑनियन, ONION, ऑनियन मीन्स डूंगळी। नंबर 5 डालिए कोबी। कोबी मीन्स कैबेज, CABAGE, कैबेज मीन्स कोबी। और नंबर 6 डालिए रींगण, उसे कहते हैं ब्रिंजल, BRINJAL, ब्रिंजल। तो ये जो नंबर हमने शाकभाजी के जो 1 से लेके 6 तक डाले वो आपको इस प्रकार से अपनी नोटबुक में लिख देना है। जैसे हमने आगे फ्रूट्स के नाम लिखे थे, आज हमने लिखे वेजिटेबल्स के नाम। तो ये जो सारे नाम है, फ्रूट्स के नाम, वेजिटेबल्स के नाम, वो गुजराती और इंग्लिश में आपको लर्न भी करने हैं, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। अब हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे दिया है पालतू प्राणियों। क्या दिया है बच्चों? पालतू प्राणियों, यानी कि डोमेस्टिक एनिमल्स, जो कि आप इंग्लिश में और ENV में वैसे भी सीख चुके हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स, उसके बारे में हमें आज सीखना है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ पे आपको 6 डोमेस्टिक एनिमल्स के नाम दिए हैं गुजराती, आपको भी सीखना है। यहाँ पे कौन सा पिक्चर है बच्चों? काउ का, उसे क्या कहते हैं गुजराती में? गाय। कौन सा पिक्चर है ये? काउ, उसे ही गुजराती में कहते हैं गाय। क्या कहेंगे बच्चों हम? गाय। अब 2nd पिक्चर देखिए, यहाँ पे है डॉग का पिक्चर, उसे क्या कहते हैं? कुत्रो। डॉग मीन्स कुत्रो। यहाँ पे है कैट का पिक्चर, तो उसे गुजराती में क्या कहेंगे? बिलाड़ी। क्या कहेंगे बच्चों? बिलाड़ी। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है गोट का पिक्चर, उसे क्या कहेंगे? बकरी। गोट को गुजराती में बकरी कहते हैं। उसके बाद है घेटू, यानी कि शीप। क्या कहेंगे हम इसको? शीप मीन्स घेटू। यहाँ पे है
हॉर्स का पिक्चर उसको गुजराती में क्या कहेंगे? घोड़ो। क्या कहेंगे बच्चों? घोड़ो। यहाँ पे आपने कौन कौन से डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में सीखा? गाय, कुत्रो, बिलाड़ी, बकरी, घेटू, घोड़ो। तो ये जो सिक्स हमने डोमेस्टिक एनिमल्स सीखे वो भी हम अपनी नोटबुक में लिखने वाले हैं। अब आपको इसका भी हेडिंग लगाना है, पालतू प्राणियों मीन्स डोमेस्टिक एनिमल्स, DOMESTIC डोमेस्टिक, और एनिमल्स का स्पेलिंग लिखिए ANIMALS डोमेस्टिक एनिमल मीन्स पालतू प्राणियों। अब नंबर वन से लेके सिक्स तक हमें लिखने हैं यहाँ पे, इसलिए नंबर वन पहले डालते हैं गाय। गाय मीन्स काउ, COW काउ, गाय मीन्स काउ। नंबर सेकंड कुत्रो, कुत्रो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? डॉग, DOG डॉग। नंबर थ्री बिलाड़ी, बिलाड़ी का मतलब होता है कैट, CAT कैट। नंबर फोर बकरी, बकरी को क्या कहते हैं? गॉट, GOAT गॉट। घेटू, नंबर फाइव में क्या लिखना है आपको? घेटू यानि कि शिप, SHEEP शिप। और नंबर सिक्स लास्ट है डोमेस्टिक एनिमल में लिखना है घोड़ो, घोड़ो मीन्स हॉर्स, HORSE हॉर्स। ये हमने कौन कौन से नाम सीखे? गाय, कुत्रो, बिलाड़ी, बकरी, घेटू, घोड़ो। तो ये जो सिक्स नाम है वो भी आपको अपनी गुजराती की नोटबुक में लिखना है, और साथ साथ बच्चों ये जो गुजराती और इंग्लिश नाम है दोनों आपको लर्न करने हैं, क्योंकि मैं आपको एग्ज़ाम में इसी तरह से हेडिंग दूंगी, पालतू प्राणियों का नाम गुजराती अने अंग्रेजी में लिखो, यानी कि ये दोनों नाम है वो आपको याद रखने हैं। तो ये तो बात हुई पालतू प्राणी यानी कि डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में। अब हम वाइल्ड एनिमल यानी कि जंगली प्राणियों के जो पशुओं के नाम है वो हम सीखेंगे। यहाँ पे आपको इसमें भी सिक्स नंबर दिए हैं, ये कौन से है? हेडिंग जंगली पशुओं यानी कि वाइल्ड एनिमल जो कि हिंसक प्राणी है। अब नंबर वन देखते हैं, ये है लायन का पिक्चर। कौन है बच्चों? लायन। अब जंगल का राजा किसको बोलते हैं? सिंह को। सिंह जंगल नो राजा कहवाई। ये जो पिक्चर है लायन का उसे गुजराती में हम कहेंगे सिंह। क्या कहेंगे बच्चों? सिंह। दूसरा पिक्चर देखते हैं, ये तो है टाइगर जो कि हमारा नेशनल एनिमल है। कौन सा है? हमारे देश का नेशनल एनिमल वाघ यानी कि टाइगर, इसे हम वाघ कहेंगे। अब है एलिफेंट का पिक्चर। कौन सा पिक्चर है ये? एलिफेंट, उसको गुजराती में कहेंगे हाथी। क्या कहेंगे बच्चों? हाथी। और यहाँ पे है वांद्रो यानी कि मंकी का पिक्चर, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है वांद्रो, क्या कहेंगे हम इसको? वांद्रो। अब इसके बाद यहाँ पे बियर का पिक्चर है, क्या कहेंगे इसको? रीच, इसको गुजराती में रीच बोलते हैं। और लास्ट में यहाँ पे पिक्चर है डियर यानी कि हरण का, इसे कहेंगे हरण। तो ये हमने वाइल्ड एनिमल के बारे में बात की, कौन कौन से नाम है यहाँ पे? सिंह, वाघ, हाथी, वांद्रो, रीच, हरण। तो ये सारे जो नाम है वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, तो आपको अपनी नोटबुक निकालनी है, वहाँ पे भी आपको क्या हेडिंग लगाना है? जंगली पशु यानी कि वाइल्ड एनिमल। क्या लगाएंगे हम? वाइल्ड एनिमल। नंबर वन डालना है सिंह। क्या नंबर डालेंगे आप? नंबर वन, और वहाँ पे सिंह लिखना है। सिंह मीन्स लायन, LION लायन। क्या लिखना है आपको? लायन, LION लायन मीन्स सिंह। नंबर सेकंड डालिए वाघ, वाघ का मतलब होता है टाइगर, TIGER टाइगर मीन्स वाघ। नंबर थ्री डालिए हाथी, हाथी का मतलब क्या होता है बच्चों? एलिफेंट, ELEPHANT एलिफेंट मीन्स हाथी। नंबर फोर, नंबर फोर में हम लिखेंगे वांद्रो, वांद्रो का मतलब होता है मंकी, MONKEY मंकी यानी कि वांद्रो। और नंबर फाइव में लिखना है हमें रीच, रीच का मतलब होता है बियर, BEAR बियर। और नंबर सिक्स में लिखना है हरण, हरण का मतलब होता है डियर, DEER डियर। तो ये हमने यहाँ पे क्या सीखा? पालतू प्राणियों यानी कि डोमेस्टिक एनिमल्स के नाम, और यहाँ पे हमने सीखा जंगली पशुओं यानी कि वाइल्ड एनिमल के नाम। तो ये जो है नंबर वन से लेके सिक्स तक दोनों में वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है।
आज हमने टोटल नोटबुक में कितने पेज लिखे? 3। फर्स्ट हमने लिखा शाक भाजियों का नाम 1 से लेके 6 तक। उसके बाद पालतू प्राणी यानी कि डोमेस्टिक एनिमल्स के नाम 1 से 6 तक और जंगली पशुओं के नाम है वो भी 1 से 6 तक लिखा। आपको भी अपनी नोटबुक में ये लिखना है। और टेक्स्ट बुक में भी हमारा पेज नंबर 81 और पेज नंबर 82 है वो कंप्लीट होता है। इसके आगे पक्षी यानी कि बर्ड्स के नाम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको ये लर्न करने हैं और लिखने भी है।